मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर के अजीरा थाना क्षेत्र के पीएचई कॉलोनी स्थित सरकारी मल्टी में रहने वाली एक महिला की उसी के फ्लैट में चाकू से हत्या कर दी गई। पड़ोसियों को दूसरे दिन इस हत्या का पता चला जब मृतिका सीता थापा के कमरे से बदबू आने लगी। सीता थापा अपने पति सेरू थापा के साथ इसी सरकारी मल्टी में रहती है। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक मास्क बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। मौके पर उसके पति के गायब रहने से पुलिस का शक सबसे ज्यादा उसी पर जा रहा है। लाश करीब 30 घंटे पुरानी बताई गई है। सोमवार पुलिस को घटना के बारे में पड़ोसियों से पता लगा। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस फिलहाल उसके पति का इंतजार कर रही है, इसी के बाद घटना का खुलासा हो सकेगा। महिला के गले और पीठ में धारदार हथियार के गहरे घाव हैं। उसकी लाश फ्लैट के अंदर कमरे में जमीन पर पड़ी मिली थी और गद्दा भी खून से सना हुआ था। सर क्या मामला है? ये पीएचई कॉलोनी में पानी की टंकी के पास राजीव आवास योजना के क्वार्टर बने हुए मल्टी है, उनमें कुछ लोग रहते हैं। इसी में से S10 फ्लैट नंबर में एक महिला की डेड बॉडी होने की सूचना मिली थी, जिसमें मौके पर पुलिस आई और तहकीकात कर रही है। मौके पर आगे कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है फिर कुछ ब्लड मिला है वहाँ पे, तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी आगे आते तथ्य वैसी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम महिला का? महिला का नाम सीता थापा है, लगभग 38 साल की उम्र है उसकी। कोई मतलब किस तरह से जानकारी लगी थी, मतलब आपको किस तरह से पूछे आप, मतलब कोई शादीशुदा है कैसे? हाँ, उसकी जानकारी आई है, शादीशुदा है, उसके पति भी है और पति का संपर्क किया जाएगा उनसे, अभी पति है नहीं साथ में। पहले रजिस्ट्री में क्या लग रहा है, मतलब आपके रजिस्ट्री में क्या लग रहा है? अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कारण क्या रहा है इनकी मृत्यु का, आगे जांच भी कर सकते हैं। कितने दिन पुराने? ये लगभग 24